असलम नाजीन आज थर्ड मार्च 2023 और हम अपने गार्लिक फील्ड में अपने एक्सपर्ट इरफान नवाज़ साहब के साथ मौजूद हैं तो आज हम इरफान नवाज़ साहब से चाहेंगे कि वो हमारे नाजीन को बताएं कि जीवन गार्लिक के अंदर मार्च के महीने के अंदर कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके हमें ख्याल रखना पड़ता है और जिनका ज़्यादा हमला होने का चांस होता है इसमें फंगल कौन सी बीमारी है और क्या इंसेक्ट का भी कोई अटैक होता है मार्च के महीने में अगर आप हमारे नाजिन को बता सकें जी वैल्क अल्लाम थैंक यू वेरी मच अब्दुलरमान साहब आज थर्ड मार्च है और थर्ड मार्च के अंदर अगर हम देखें थर्ड मार्च से लेकर ट्वेंटी फिफ्थ मार्च तक ये आ, जो डेज़ होते हैं फिफ्टीन से ट्वेंटी डेज़ ये क्रिटिकल होते हैं जिसके अंदर फंगल डिजीज़ भी आती हैं और इसके साथ इंसेक्ट का भी अटैक आता है अगर हम फंगल डिजीज़ की बात करें तो इस स्टेज के ऊपर दो फंगल डिजीज़ आती हैं जिसमें सबसे टॉप के ऊपर जो अर्ली मार्च के अंदर अटैक करती है वो लीफ ब्लाइट है लीफ ब्लाइट के अंदर आपकी जो लीफ होते हैं इनके Uh, सिरे जो होते हैं ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं गलना स्टार्ट होते हैं और बैकवर्ड जो है ये ब्लैक होते जाते हैं और पहले येलो होते हैं येलो होने के बाद ब्लैक होते जाते हैं इससे बचाने के लिए आपको प्रिवेंटिव फंजीसाइड जो है वो स्प्रे करने पड़ते हैं और उन प्रीवेंटिव फंजीसाइड के अंदर अगर हम एक्टिव केमिकल की बात करें पैरा और उसके साथ मेटीराम इसका कम्बीशन आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ट्राई और ट्राई के साथ जोल ग्रुप कोई ऐड किया जाए अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो इस वक्त जो सबसे बेहतर ब्रांड नेम्स हैं उनके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं नटीवो यूज़ कर सकते हैं जो कि 65 ग्राम पर एकड़ आप 100 लीटर वाटर में डिजॉल्व करके स्प्रे करेंगे और इसके साथ टॉप आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा के, केजान के नाम से प्रोडक्ट है तो ये आप प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं दूसरे नंबर के ऊपर सेकेंड जो बिल्कुल लेट मार्च के अंदर जो डिजीज़ आती है फंगल डिजीज़ और उसके साथ फंगल के अलावा बैक्टीरियल डिजीज़ भी आती हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है आपके बल्ब के ऊपर बल्ब फॉर्मेशन उस वक्त स्टार्ट हो चुकी होती है और बल्ब फॉर्मेशन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जिसको हम बल्ब सॉफ्ट ब्लाइट भी कहते हैं और बल्ब सॉफ्ट ब्लाइट के अंदर बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़ है उसके लिए आपको बैक्टेरीसाइड प्लस फंजीसाइड कम्बिनेशन जो है उसको करना पड़ता है जिसमें फ़न्जीसाइड और बैक्टेरीसाइड का जो जब सबसे बेस्ट कम कम्बिनेशन है उसमें ट्राई ट्राई सॉरी जो फंजीसाइड का जो सबसे बेस्ट फंजीसाइड और बैक्टेरी का जो सबसे बेस्ट कम्बिनेशन है उसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस आप कसोग माइसिन इसका जो कम्बिनेशन है ये डिफरेंट नाम से मार्केट में अवेलेबल है लेकिन प्रोफाइल के नाम से एक प्रोडक्ट है रोडाल्फ कंपनी का इफेक्टिव कंट्रोल है वो भी हमने जहाँ पे यूज़ किया वहाँ पे बड़ा इजीली जो है वो कंट्रोल मिल जाता है तो मार्च के महीने में दो ही डिजीज़ हैं इन दो डिजीजेज़ को आपने कंट्रोल में रखना है जो आपकी ब्लाइट है ये बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करती किसी किसी जगह के ऊपर और पैचेस की फार्म में आती है जो आपकी नीचे बल्ब के ऊपर अटैक करती है जिसको हम बल्ब सॉफ्ट ब्लाइट कहते हैं तो बल्ब सॉफ्ट ब्लाइट जो है वो आपके एंड मार्च के अंदर जो इसका आ, स्टार्ट हो जाता है तो फंजीसाइड का आपने स्प्रे भी करना है और इसके अलावा आपने ड्रेंच भी करना है जो कि हम प्रोफाइल के नाम से जो फंजीसाइड और बैक्टेरियाड जो है कम्बीशन है उसका बता रहे हैं तो आपने 500 ग्राम पर एकड़ अगर ड्रिप सिस्टम है तो आपने ड्रेंच करना है अगर आपकी फ़्लड के ऊपर क्रॉप है तो 1 के पर एकड़ आप फ्लड करेंगे और अगर आपने प्रिवेंटिव यूज़ करनी है तो आपका 500 ग्राम पर एकड़ आप उसको स्प्रे करेंगे इसके अलावा जो इंसेक्ट का अटैक आता है फेब के मंथ मार्च के मंथ के अंदर तो उसमें कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर इंसेक्ट्स में थ्रिप्स का अटैक आता है और थ्रिप्स बड़ी सवेर किस्म का इसका अटैक होता है स्पेशली आपका जो साउथ पंजाब है उस एरिया के अंदर इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है या वो एरियाज़ सेंट्रल पंजाब के जहाँ पे वेजिटेबल ग्रो की जाती हैं या टनल फार्मिंग होती है उस एरियाज के अंदर या कॉटन ग्रो की जाती है तो वहाँ पे फ्लिप्स का अटैक आता है उसके लिए आप बहुत सारे इंसेक्टिसाइड अवेलेबल हैं अगर किसी जगह के ऊपर अटैक आए तो ही स्प्रे उसके लिए किया जाए उसके अंदर रेडियंट के नाम से प्रोडक्ट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा अगर कम आपका प्रॉब्लम है इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर अटैक है तो उसके लिए आप थ्रिप्स के लिए जो इफेक्टिव है आप क्लोफिन अपार जो है उसको स्प्रे कर सकते हैं उससे आपको इजीली कंट्रोल मिल जाता है तो ये बेसिकली आपकी ये दो 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 आपके इंसेक्ट्स हैं फंगस की डिजीज़ेस हैं और एक आपका इंसेक्ट है इसको आपने मार्च के महीने के अंदर जो है मैनेज करना है अगर इनको आप मैनेज कर लेते हैं तो आपकी क्रॉप जो है वो मेच्योरटी स्टेज के ऊपर अप्रैल में पहुँच जाती है और उस वक्त आपकी इतनी कोई डिजीज़े नहीं होती जो इसको प्रॉब्लम करे या इतने कोई इंसेक्ट्स नहीं होते जो इसको आगे डैमेज करें थैंक यू आपने हमें डिजीज़ यानी कि फंगल और इंसेक्ट के हवाले से बड़ा अच्छा गाइड कर दिया खादों के अंदर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि फार्मर जो ड्रिप वाले हैं वो कौन सी खाद कंटिन्यू रखें और जो फ्लड वाले हैं अगर उनके तीन या चार पानी लगते हैं मार्च के अंदर तो वो कौन सी खाद का साथ इस्तेमाल करें अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए और बल्ब साइज़ को इंक्रीज करने के लिए ये जो स्टेज है जिस वक़्त हमारी क्रॉप 140 दिन की हो जाती है तो 140 दिन के बाद इसकी फास्फोरस की रिक्वायरमेंट ना होने के बराबर रह जाती है क्योंकि इसका जो स्कैप की फॉर्मेशन होती है जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है वो स्टार्ट हो जाती है स्कैप नीचे बल्ब में से बनना स्टार्ट हो जाता है जो कि पच्चीस दिन लेता है बाहर निकलते हुए तो आपकी क्रॉप जब 160 दिन एक दिन तक पहुंचती है तो उस वक्त यानी कि मार्च की 20 से 25 तारीख के करीब आपके मोस्टली जो है वो फील्ड होते हैं वहाँ पे स्कैप निकलना ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है जो कि 20 दिन पहले इनिशिएट हो जाता है तो जिस वक्त आपका स्कैप इनिशिएट हो गया आपकी यानी कि क्रॉप 140 दिन तक पहुँच चुकी है उस वक्त आपने फास्फोरस को कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद जो आपकी फ़र्टिलाइज़र बचती हैं वो सबसे ज़्यादा जो क्वान्टिट्टी आपने देनी है वो पोटाश देनी है पोटाश के दो सोर्सेज हैं आप पोटाशियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ड्रिप डिपरीगेशन सिस्टम लगा हुआ है अगर आपके पास ड्रिप डिपरीगेशन सिस्टम नहीं लगा तो फिर आप चीप सोर्स जो होते हैं पोटाश के वो आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें वाटर सोलबल पोटाश सोलो पोटाश के नाम से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपने नाइट्रोजन जो आपका ट्वेंटी परसेंट बच चुका होता है उस ट्वेंटी परसेंट को आपने नेक्स्ट जो थर्टी डेज होते हैं उसके अंदर जो है वो यूज़ करना होता है और उसके सोर्स जो नाइट्रोजन के सोर्सेज हैं आप अमोनियम सल्फ़ेट यूज़ करें और उसके साथ थोड़ी सी क्वानिटी यूरिया की भी यूज़ करें तो ये आपकी फर्टिलाइजर्स हैं आपने नेक्स्ट जो थर्टी से 35 थर्टी फाइव डेज होते हैं इनके अंदर इन दो फर्टिलाइज़र को कंटिन्यू करना होता है और आपकी क्रॉप जिस वक़्त एक सौ अस्सी दिन तक पहुँचती है तो उस वक्त बल फार्मेसन जो वो कम्प्लीट हो चुकी होती है उसके बाद इसकी मेच्योरेशन स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है तो ये आपका मिड अप्रैल से लेकर मे के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपकी जो क्रॉप होती है ये तकरीबन 20 से 25 दिन होते हैं जिसके अंदर आपके लीव जो है ड्राई हो रहे होते हैं और ये राइपनिंग स्टेज होती है मेच्योरेशन स्टेज होती है इसके ऊपर क्रॉप जो है फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती पानी की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है और आपने मई के फर्स्ट वीक के अंदर इसकी क्रॉप को आपने हार्वेस्ट करना होता है तो ये न्यूट्रिशन प्लान है और ये हमारी इंसेक्टीसाइड और फंजीसाइड हैं जिनको हम फॉलो करके अच्छी पैदावार जो है वो ले सकते हैं थैंक यू इरफान साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से नाजरन को इरफान साहब ने आज हमें गाइड किया है अबाउट फंगस अटैक्स उसके अलावा जो इंसेक्ट का अटैक आ सकता है थ्रिप्स का उसके हवाले से उन्होंने हमें तदारुक के बारे में बताया और खादों का जो प्लान है वो इरफान साहब ने दोबारा से हमें उसकी याद दहानी करवाई है तो उम्मीद करते हैं कि फार्मर्स इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए और मार्च के महीने में अपनी फ़सल की अच्छी नग्दाश्त करेंगे और जो है वो अच्छी पैदावार हासिल करेंगे तो नाज़ीन इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा भी हम नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे तो स्टे ट्यून और आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जीवन की क्रॉप और बाकी फार्मिंग की जो हमारी क्रॉप्स हैं उसके साथ हाजिर होते रहेंगे थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़